चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। हाँ चलो। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आओ और करके दिखाओ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ओ, बहुत अच्छे, अच्छा लगा। क्या तुम मेरे जैसी बॉक्सिंग भी कर सकते हो? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता। चलो जिंटू। हाँ हाँ, मैं तुमसे भी अच्छी बॉक्सिंग कर सकता हूँ। तो फिर अगले संडे सबके सामने हम दोनों में बॉक्सिंग का मुकाबला होगा। नहीं नहीं, जिंटू मजाक कर रहा है, वो बॉक्सर नहीं है। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ अगले संडे। मेरा तो मन कर रहा था तभी उसको बॉक्सिंग के पंचेस मार मार के ढेर कर दूं। चिंटू तुमने बॉक्सिंग का चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन बॉक्सिंग एक खेल है, तो इसे खेल भावना से ही खेलना। यानी तुम उसके लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा। तो फिर ये मैच कैंसिल। मगर मैच कैंसिल हुआ तो फुर्सतगंज की तो इज्जत डूब जाएगी। हाँ, लेकिन खेल में चीटिंग हुई तो खेल की इज्जत डूब जाएगी। ओके ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बॉक्सिंग के दौरान अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा। वेरी गुड जिंटू, दैट्स द स्पिरिट। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? जरा तुम अपने आप को तो देखो, तुम खुद ही एक पंचिंग बैग जैसे दिखते हो। तुम्हें फाइटिंग के लिए खुद को फिजिकली फिट करना होगा। हाँ जिंटू, इमली ठीक कह रही है। अरे ये क्या किया भुक्कड़, अब हम लोग क्या खाएंगे? वो सब तुम जानो, मुझे तो ज्यादा मेहनत करनी है तो ज्यादा खाना भी तो होगा ना, क्यों दादाजी? जिंटू, इतना खाओगे तो तुम तो और भी मोटे हो जाओगे, फिर लड़ोगे कैसे हैं? बॉक्सिंग के लिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, तो कल से कम खाना और ज्यादा मेहनत करना है। कल से नहीं, आज से, अभी से, कल का काम आज करो और आज का अभी। हम जिन लोगों की इज्जत का सवाल है। नाना जी आप? हाँ बेटा, जब मुझे पता चला कि मेरा जिंटू फाइट करने वाला है, मुझे आना ही पड़ा। चलो अब से तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन नाना जी आपको पता कैसे चला? जिन लोग इस धरती पर जो भी करते हैं उसकी खबर हमारे जिन रिपोर्टर जिन टीवी चैनल में देते रहते हैं। जैसे ही मैंने न्यूज में देखा जिंटू ने किसी को चैलेंज किया है, मेरे से रहा नहीं गया और मैं आ गया। ये लो जिंटू, इसमें खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट लेता हूँ। ओवरवेट, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो जिंटू, अब शुरू हो जाओ, इस ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू करो। क्या हुआ जिंटू? अरे दौड़ना तो मुझे था, और ये मशीन क्यों दौड़ने लगी? देखो जिंटू, ये मशीन तुम्हें अपने आप दौड़ाएगी, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ इस पर। चलो चलो चलो, हाँ, वरना गिर जाओगे। नहीं, मैं इस पे नहीं दौड़ सकता, मैं बाहर दौड़ लूंगा। जिंटू ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है, खुशी खुशी कसरत करो, रोते हुए नहीं।
हाँ हाँ बस बस, भाषण देना आसान है। दुबले तो नहीं हुए लेकिन स्ट्रॉन्ग जरूर हो गए। अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो। फाइट में मुझे रेफरी बनाया गया है। हमारी आज की फाइट है फुर्सतगंज के चिंटू और फालतूगंज के बॉक्सर टैंगो के बीच। ओके, रेडी। चिंटू, ऑल द बेस्ट। देख घुमा के चिंटू। ओके। तारे क्यों दिख रहे हैं? जिंटू फाइट शुरू तो हो जाने दो। उप्स, सॉरी। जिंटू, टैंगो, रेडी। जब मैं बोलूंगा तो फाइट शुरू करना। स्टार्ट फाइट। आठ, सात, छः, पाँच। चिंटू, काउंटिंग तुम नहीं रेफरी करते हैं जब कोई बॉक्सर गिरता है। ये दिन में तारे फिर से दिख रहे हैं। ओह, ओके, फाइट। बात है, सॉरी, जरा लेट के आराम कर रहा था। चिंटू, वीर, इमली, चुलबुल सब बहुत दुखी होंगे अगर तुम हार गए तो। नाना जिन, हारूंगा कैसे? चार, तीन, दो, एक।
के विजेता है चिंटू। फिर से तारे। मोना नहीं नहीं, तुम उसे नहीं पकड़ सकती। अरे मोना रुक जाओ, मैं कहता हूँ उसे मत पकड़ो। जाओ, अरे मेरी बात भी नहीं सुनती। मोना तुम उसे नहीं पकड़ सकती, रुक जाओ। बॉस, मेरे दांत। ये चूहा तो मेटल का बना है। ये चूहा नहीं, रोबोट है। अगर तुम इसे पहचान नहीं पाए तो वीर भी धोखा खा जाएगा। मैंने ऐसे कई चूहे रोबोट बनाए हैं जो रात में वीर के घर में घुस के वीर के बदन के सारे वायर्स काट देंगे और उसके बाद वीर खत्म। वीर को पता भी नहीं चलेगा कि वीर कब खत्म हो गया। लेकिन बाकी चूहे कहाँ हैं? और वो वीर को पहचानेंगे कैसे? गुड क्वेश्चन, अभी बताता हूँ। मैंने इस रैट रोबोट में तुम्हारी फोटो अपलोड कर दी है। अब इससे बाकी सारे रैट्स में तुम्हारी फोटो ट्रांसफर हो जाएगी। जिसकी फोटो इनके अंदर है वही इनका टारगेट है। अब मजा देखो। बॉस, बॉस, ये मेरे पीछे पड़ गए। बॉस, बचाओ, इन्हें वीर के पीछे लगाओ। बॉस, I'm glad, Timbuktu, बचाओ, help, की सेंस कह रहा है कुछ तो खतरा है। चिंटू, चिंटू, वो देखो कितने सारे चूहे। बचाओ, वीर, वीर देखो चूहे, वीर बचाओ। ओफो, इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? चिंटू, इन्हें खत्म कर दो। नहीं चिंटू, इन्हें मारो मत, ये चूहे हैं, खाने की तलाश में आए हैं। सिर्फ बाहर फेंक दो। तुम क्या डर रहे हो? वो तो सिर्फ चूहे ही हैं। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। वीर जग गया है, अब कोई फायदा नहीं। चूहों को वापस बुलाना होगा, फिर मौका देख के हमला करूँगा। चिंटू, सब चूहे चले गए, अब डरो मत। कमाल है, जिन हो के डर रहे हो। जिन हूँ लेकिन बच्चा भी तो हूँ, मुझे भी तो डर लगता है। वीर, क्या हुआ? ये शोर कैसा था? दादाजी, पता नहीं कहाँ से बहुत सारे चूहे आ गए थे, लेकिन मैंने सबको बाहर भगा दिया। हाय वीर। हाय इमली, पता है कल
रात ना जाने कहां से बहुत सारे चूहे मेरे रूम में आ गए थे। जिंटू का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था। वो हमारी मदद करने के बजाय टेबल पे चढ़ के थर थर कांप रहा था। लेकिन इतने सारे चूहे आए कहां से? प्लीज बचाओ मुझे, हेल्प मी। जिंटू बिल्ली बन जाओ, तुमसे डर के चूहे भाग जाएंगे। जरा वो तो देखो, पहली बिल्ली ऐसी होगी जो चूहों से डर के भाग रही है। ओह, ये चूहे भिड़ा गए। ये चूहे नहीं है, ये रोबोट्स हैं और मेरे लिए आए हैं। मैं इन्हें यहाँ से दूर ले जाता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वीर द रोबो बॉय, तुम कब तक बचोगे? मेरे चूहे उड़ नहीं सकते, लेकिन इतनी स्पीड में दौड़ सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये क्या, रोबो बॉय के पीछे चूहे पड़े हैं? ये कैसे चूहे हैं जो दीवारों पे भी इतनी स्पीड से भाग रहे हैं? दादाजी, ये चूहे सब रोबोट हैं। इनके अंदर छोटे से मॉनिटर में मेरा इमेज बना है और टारगेट लिखा हुआ है, इसीलिए ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पास एक आइडिया है इन्हें ट्रैप करने का, सुनिए। ठीक है वीर, तुम उन्हें शहर से बाहर ले आओ, मैं उनके लिए जाल बिछाता हूँ। ओके दादाजी। Okay.
गया है। वो सब चूहे कहाँ है? मैं तो भागता हुआ कई मील दूर निकल गया था। सिर्फ एक बाकी है, वो देखो। इतना बड़ा चूहा। ये चूहा नहीं, रोबोट है। वो सब चूहे रोबोट थे। इसे ठीक करके टिम्बकटू के पास भेज दो। वो दूर से हमें देख रहा है, शायद इसी चूहे का इंतजार कर रहा होगा वो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बॉस बॉस, ये जायंट रैट तो मेरे पीछे पड़ गया। बॉस बचा।